मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। तो किसी जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड शो करना है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से शो किया जा सकता है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से डिफरेंट है। पहली प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप्स नहीं बनाती थी, वो एक चार्ज से स्टार्ट होकर दूसरे चार्ज पे खत्म होती थी, पर क्लोज लूप तो कभी भी नहीं बनती थी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप बना सकती हैं। आपको याद होगा करंट कैरिंग वायर के आसपास जो लाइंस बनती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते थे। सोलेनोइड के अंदर भी पूरा क्लोज लूप बनता था, तो क्लोज लूप बनाती हैं और वो नहीं बनाती। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा, एक मैग्नेट के बाहर इनकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, नॉर्थ से साउथ। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ। जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव करता था वो काम इसमें नॉर्थ करेगा, जो काम नेगेटिव करता था वो काम इसमें साउथ करेगा। तो लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है या लाइन नॉर्थ से साउथ जा रही है, समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट है, टेंजेंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तुम एक लाइन ड्रॉ करो तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व या लूप भी हो सकती है, और तुम किसी भी पॉइंट पर उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट है, नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक कॉमन पॉइंट आएगा, कॉमन पॉइंट पे दो टेंजेंट बन जाएंगे और दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती एक पॉइंट पर। सेम रीजन है जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का होती थी, वो भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। तो इनकी प्रॉपर्टीज हैं।